इनके सारे के सारे चीजें ना ऐसे ट्राइंगल शेप्स में ही आती हैं। मैं नहीं जानती एक भी ऐसे इंसान को जिसको रामेन खाना पसंद नहीं हो। आई एम गोइंग टू ट्राई दीज नाउ। दिस इज द प्रीटीएस्ट बॉटल ऑफ आइस टी आई हैव एवर सीन और ये मुझे इतने टाइम से ट्राई करना था, मैं आपको क्या ही बताऊं। नाइस पैकेजिंग। वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम विदमा एंड आज हम फिर से करने वाले हैं बहुत सारे अनट्राइड स्नैक्स को ट्राई एंड मैंने बहुत कुछ मंगवा के रखा है, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला स्नैक है ओपन सीक्रेट के अनजंक चिप्स इन चिली पिज्जा फ्लेवर एंड दीज आर फॉर ₹35। अपेरेंटली मैंने एक चीज देखी कि इनके सारे के सारे चीजें ना ऐसे ट्राइंगल शेप्स में ही आती है। पता नहीं मतलब मीठी खा लो आप या ऐसे वाले चिप्स खा लो, एवरीथिंग इज जस्ट ट्रायंगल शेप्ड, आई डोंट नो व्हाई, बट सिंस इट इज पिज्जा फ्लेवर तो मेरे को लगता है इसका तो बनता भी है ट्रायंगल होना। ओके, एक चीज और मैंने ये नोटिस किया कि इसके जो भी चिप्स या जो भी मैंने वो खाए ना मीठे वाले चिप्स एंड आमंड बटर के साथ और वो सब, इफ यू रिमेंबर मैंने बहुत पहले एक शिवम के साथ वीडियो बनाई थी उसमें उसने ये खाए थे और बोला था कि भूसे जैसे हैं, तो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि ये ऐसे उतने ड्राई ना हो। ऑल्दो या सो दिस इज हाउ दे लुक। Wrong on so many levels. Number one, ये जो मसाला है, this is a lot of मिर्ची, so ये बहुत अजीब सा लग रहा है, मतलब बहुत तेज मिर्ची है, खाते ही आपको बहुत तेज स्पाइस लगेगा। Second, yes, ये भूसे जैसा है, it's very dry, इसमें salt नहीं है and it is मीठा somehow, और यहाँ का taste है definitely pizza flavor, अगर ये उसको बोल रहे हैं तो maybe it is only because of this reason, apart from this, इसमें कोई चीज़ का taste नहीं है, कोई salt नहीं है, भर भर के मिर्ची है and it is somehow मीठा and I don't like it, it's very dry also, तो मेरे को ये खास apparently पसंद नहीं आया है, so I'm going to give this a 1/5, अगर आपने ये try किया है या आप करना चाहते हो वैसे मत ही करना, मेरी बात मान लो, खुश रहोगे सुखी रहोगे अगर आप नहीं करोगे ट्राई, तो भी ऐसा है कि किसी डिप के साथ भी अच्छा नहीं लगेगा, इट्स सो सो बैड। अगला है ये जैकपॉट शेजवान करी नूडल्स एंड दिस पैकेट इज फॉर ₹50। सी मैं नहीं जानती एक भी ऐसे इंसान को जिसको रामेन खाना पसंद नहीं हो एंड रामेन आप जितनी खा लो उतनी कम है, बिकॉज आई रियली लव दीज, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है कि बहुत सारे वेरियंट्स ना सेम टेस्ट करते हैं, सो आई एम जस्ट होपिंग कि ये भी वैसा ही नॉर्मल सेम टेस्ट ना करता हो, तो जल्दी से इसको फटाफट बना के पहले खाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे टेस्ट करता है। ऑल्दो दिस इज शेजवान विद ड्राइड वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग इसमें लिखा हुआ है, सो आई एम जस्ट होपिंग कि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो। लेट्स ट्राई दीज। Okay, so here I have my Szechuan noodles. And ये देखने में मुझे बहुत average लग रहे हैं and अगर आपने कोई भी like normal yipi noodle types खाई होंगी तो ये वैसा ही you know दिख भी रहे हैं and smell में थोड़ा सा है, वो डेफिनेटली से कि शेजवान वाला टेस्ट स्मेल डेफिनेटली कर रहे हैं ये, बट आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू टेस्ट, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा रेड रेड कलर होगा, बट ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट लाइक नॉर्मल रामेन ओनली, नॉर्मल नूडल्स, थोड़ा सा थिक नूडल्स हैं एंड थोड़े थोड़े इसमें डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स वगैरह भी थे, सो दैट वाज इट्स गुड एंड ऊपर से इसका कोई चिली ऑयल टाइप्स नहीं आया है, बट आई एम गोइंग टू ट्राई दीज नाउ। ओके, पहली बात ये जितने पेल दिख रहे हैं ना उतने ब्लैंड है नहीं, बिकॉज दे आर प्रीटी स्पाइसी फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड हाँ वेजिटेबल्स का अच्छा क्रंच है एंड एवरीथिंग वो सब ठीक है, लेकिन टेस्ट वाइज ये अगेन कोई बहुत अनयूजुअल नहीं है, आपने कोई भी ब्रांड की अगर शेजवान नूडल्स खाई है, चिंग्स की या किसी की, या गार्लिक नूडल अगर आपने उनकी खाई है, मंचूरियन नूडल, ये सारी ऑल विल फॉल इन द सेम कैटेगरी, सो ये दिस इज नथिंग वाओ और डिफरेंट और समथिंग, इट्स द सेम, सो या दिस पैकेट इज फॉर ₹50, अगर आपको ट्राई करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, ये अभी मुझे खत्म करनी पड़ेगी एंड देन आई विल सी यू इन अ व्हाइल। नेक्स्ट इज जेड फॉरेस्ट की फ्लोरल रश प्रीमियम आइस टी एंड दिस इज फॉर ₹89 एंड दिस इज द प्रीटीएस्ट बॉटल ऑफ आइस टी आई हैव एवर सीन, और सच बताऊं तो मैंने बहुत तरीके की आइस टीज ट्राई की है, मैंने पीच आइस टीज ट्राई की है, मैंने लेमन, ये वो कीवी मिंट, पता नहीं क्या क्या तरीके की आइस टीज ट्राई की है, बट दिस फ्लावर फ्लोरल रश इज समथिंग वेरी न्यू, मतलब मैंने इनका देखा था एक्चुअली, इनके पास और भी काफी तरीके की टीज हैं, तो इनके पास कुछ बेरी लश, कुछ सिट्रस टीज भी हैं, सो वो मैंने एक्चुअली, मुझे लग रहा था कि बेरी कहीं वो ऐसे सिरप जैसा ना हो, क्योंकि मेरा एक बहुत गंदा पचका हुआ है अभी रिसेंटली, मैंने फैंटा स्ट्रॉबेरी ट्राई किया, अगर आपने वो शॉर्ट नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, जरूर देखना, बिकॉज उसमें लिटरली स्ट्रॉबेरी फैंटा वॉज एब्सोल्यूटली लाइक कॉफ सिरप एंड आई रियली डिड नॉट वॉन्ट टू रिस्क इट अगेन, दैट इज वाई मैंने ये फ्लोरल रश वाली मंगवाई है एंड नाउ I am going to literally try this and I'm so excited. Must handi hai ye. जाके खोल के लेके आती हूँ इसको. Okay, this smells a lot like chai. So बहुत solid वाली tea की fragrance तो आ रही है. And
या एक्चुअली ये काफी फ्लोरल भी यू नो स्मेल कर रहा है. दिस इज नाइस. लेट मी जस्ट ट्राई दिस. ओके, ये एग्जैक्टली वैसा ही टेस्ट कर रहा है जैसे स्मेल कर रहा था. एक्चुअली पहली बात, आपको ये सिर्फ तभी पसंद आने वाला है अगर आपको चाय पसंद है, चाय का फ्लेवर पसंद है, टी लीव्स का टेस्ट पसंद है. ये आपको सिर्फ तभी पसंद आएगा. वन थिंग. सेकंड थिंग, बहुत ही माइल्ड वाला फ्लोरल फ्लेवर है. मतलब ये आप इसको काइंड ऑफ बेरी भी बोल सकते हो, क्योंकि मुझे ज़्यादा डिफरेंस तब पता लगेगा जब मैं बेरी वाली ट्राई कर लूँगी. बट एक्चुअली दिस इज नाइस. सो इट्स वेरी लो ऑन शुगर, कार्बोनेटेड नहीं है एंड सही है. मतलब दिस इज अ नाइस ड्रिंक एक्चुअली. अगर आपको यू नो वंस इन अ वाइल अगर आपको कार्बोनेटेड कुछ पीने का मन नहीं है, कोई सोडा पीने का मन नहीं है, या बहुत स्वीट कुछ पीने का मन नहीं है, जैसे मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक, मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी सकती बहुत. मतलब इट्स लाइक आई कैन ओनली हैव हाफ अ कप ऑफ कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि उससे ज्यादा फिर मेरे को ज्यादा कार्बोनेटेड लगने लगता है. आई अवॉइड इट. सो मेरे लिए मोहितो टाइप्स या यू नो ऐसे आइस टी टाइप्स आर द ड्रिंक्स दैट आई गो फॉर. आई लव देम एंड आई लव मॉकटेल्स एंड एवरीथिंग. सो अगेन फॉर मी दिस इज अमेजिंग. चाय तो तुम्हें पता ही है मुझे कितनी पसंद है. सो दिस आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई अगेन. सो आई एम गोइंग टू गिव दिस अ 4/5. नेक्स्ट इज दिस अमूल पिज्जा व्हिच इज इन गार्लिक फ्लेवर एंड दिस बॉक्स इज ₹130. और ये मुझे इतने टाइम से ट्राई करना था, मैं आपको क्या ही बताऊं. ये मैंने कितने लोगों को ट्राई करते हुए देख लिया यार. बट आई वॉज लाइक यार ठीक है, फ्रोजन कैसा ही होगा एंड ऑल ऑफ दैट. एंड ट्रस्ट मी, अ लॉट ऑफ पीपल हैव एक्चुअली सेड कि ये अच्छा नहीं है. तो आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई दिस. मतलब मेरे को तो ऐसा हो गया कि भाई आप तो ये ट्राई करना है. सो इसमें कीप फ्रोजन लिखा हुआ है एंड मैंने भी अभी एकदम फ्रीजर से ही निकाला है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक्चुअली खोल के दिखा देती हूँ कि ये कैसा है. आई एम जस्ट होपिंग कि ये ठीक हो, बिकॉज मेरे को इससे बिल्कुल भी कोई भी उम्मीद नहीं है. सो लेट्स ओपन दिस. ओके, सो दिस लुक्स गुड. दिस हाउ इट लुक्स एंड इट इज एब्सोल्यूट पत्थर. मेरे को एक चीज नहीं समझ आ रही है कि इसके अंदर कुछ टॉपिंग्स हैं नहीं है, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे टॉपिंग्स बने हुए हैं एंड इधर मुझे एक्चुअली दिख नहीं रहे हैं, सिर्फ पिज्जा और मोजरेला दिखाई दे रहे हैं. सो ये अभी हमें गर्म करके पता चलेगा. साथ में एक ऑरिगेनो और एक चिली फ्लेक्स का पैकेट है. अगर ये टेस्ट सही करता है सो ₹130 में, दिस इज अ स्टील डील. आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ओवन में रखो एंड इट्स डन. सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू. मैं जल्दी से जाके इसको एकदम माइक्रोवेव में गरम गरम करके लेके आती हूँ एंड देन वी विल हैव इट. गाइस अभी तो ये इतना पत्थर है कि लिटरली इससे प्लेट टूट सकती है. ऑल्सो मुझे इसमें कोई ऐसी गार्लिक की खुशबू वजू तो नहीं आ रही है. बट एनीवेज लेट्स जस्ट सी गरम करके कि कैसा ही होता है. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो भी 2.5 मिनट्स के बाद ये एक्चुअली साइड में से तो बन गया है और ये पूरा ऐसे गिर सा रहा है इसका चीज बाहर. बीच में से ये अभी भी सेम ही है. सो आई डोंट नो कितनी देर और मुझे ये करना चाहिए. इट्स ऑल फ्लफिंग अप, अभी भी बीच में से रह गया है. ओके, सो दिस टुक 3.5 मिनट्स टू बेक. और ये पूरा ऐसे, मतलब ऊपर की चीज़ तो इसकी बार बार फ्लफ अप हो रही थी लेकिन बीच में से ये बार बार कच्चा रह जाता था. एंड अभी भी यू नो सारी की सारी चीज़ इसकी ऐसे साइड से नीचे गिर चुकी है. गार्लिक वाली कोई फ्रेग्रेंस नहीं है इसमें. एंड अगेन एज यू कैन सी देर आर नो टॉपिंग्स एट ऑल. The only सहारा, also ये कटा भी नहीं हुआ है सो अभी हमें इसे कट भी करना पड़ेगा. बट बिफोर दैट द ओनली सहारा दैट कैन एक्चुअली सेव इट इज दीज थिंग्स. चलो एटलीस्ट इनका ऑरिगैनो अच्छा है. आई डोंट थिंक आई एम पुटिंग एनी चिली फ्लेक्स बट आई जस्ट कट इट फर्स्ट. तो पहले इनको जरा मैं कर लेती हूँ 6 pieces. दे यू गो, कट कर लिया मैंने इसको. नाउ एक्चुअली हम ट्राई करके देखेंगे कि ये कैसा है. ओके, ओह चल गया. ओके एक्चुअली ये पूरा का पूरा ऐसे नीचे से चिपका हुआ है, ये पूरी प्लेट पे चिपक गया है एंड इट्स ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड मी सो बैड. मैं आपको क्या ही बताऊँ. दिस बेस इज 100% रबर आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये काटने से भी कटा तो है नहीं और मुझे आ रहा है अब गुस्सा. एंड दिस इज ऑलरेडी इरिटेटेड मी सो मच. ओके, इज इट सो डिफिकल्ट टू ईट इट यार. दिस इज हाउ माई पिज्जा स्लाइस लुक्स. देखने में ये ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. घर पे अगर आप नॉर्मल बेस लेके बाहर से मार्गरीटा पिज्जा बनाओगे तो वो ऐसे ही बनेगा. बट माय पॉइंट इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप धोखा कर रहे हो इतने सारे टॉपिंग्स उसमें दिखा के. एक तो डब्बे पे कैसे इंसान को पता लगेगा कि भाई उसके अंदर एक्चुअली एक मार्गरीटा पिज्जा है, वो भी गार्लिक फ्लेवर. आप बोल रहे हो आई डोंट नो हाउ गार्लिक इट इज, आई हैव टू एक्चुअली ट्राई इट. बट क्या मतलब ये क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है. सो आई एम ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड. ऑल्सो दिस इज फॉर 130 rupees एंड आई एम श्योर अगर आपके घर के पास वो जैन पिज्जा अगर मिलते हैं ना, आई एम टेलिंग यू भाई
गो एंड बाय वहां पे फुल ऑन वेजी वाला पिज्जा आ जाता है एक इतने ही सेम साइज का भर भर के, उससे आपका पेट भी भर जाएगा एंड इट विल बी फ्रेश ऑल्सो, नीचे से क्रिस्पी भी होता है, ऐसा हलवा नहीं खाना पड़ेगा एटलीस्ट आपको। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ट्राइंग दिस बट आई हैव टू ट्राई इट नाउ। यार ओ माय गॉड, तुम्हें कभी तुमने सुना है जिंदगी में गंदा पिज्जा? कभी नहीं सुना होगा क्योंकि पिज्जा तो एक ऐसी चीज है जो हर कोई अच्छा ही बनाता है। दिस इज पैथेटिक, आई डोंट नो हाउ डिड दे गो रॉन्ग। कोई गार्लिक नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। दूसरा, इन्होंने ये जो सॉस लगाई हुई है ना रेड रेड कलर की, दिस इज ऑल मीठी, नॉट नाइस एट ऑल। एंड ये पूरा खाने में ऊपर आपको चीज कभी टेस्ट नहीं आ रहा है, एंड दिस टेस्ट स्टेल, ये एक्चुअली बासी आपको टेस्ट आप, ओ माई गॉड दिस इज सो बैड, आई कांट रियली टेल यू। अमूल का कोई प्रोडक्ट, मेरे को लगता है मेरे को इससे गंदा अमूल का कोई प्रोडक्ट आज से पहले पता था, बट दिस इज द वर्स्ट वन। अगर आपको अमूल का कोई बहुत गंदा प्रोडक्ट पता है जो आपने ट्राई किया हो, प्लीज मुझे कॉमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैंने सच में मेरे एक्सपीरियंसेस इतने बुरे तो नहीं रहे हैं। आई रिमेम्बर इतना गंदा वाला तो मेरा पचका कभी नहीं हुआ यार लाइफ में। दिस इज, मैंने क्यों ही मंगवाया ये, एक्चुअली मुझे लोगों की सुन लेनी चाहिए थी जिन्होंने बोला था कि ये बहुत ही बकवास और वाहियात प्रोडक्ट है, बट एटलीस्ट आई एम ग्लैड कि हम लोग सारे साथ में ट्राई कर रहे हैं, एंड ये देखने के बाद आप लोग तो डेफिनेटली नहीं खाओगे ये प्रोडक्ट। सो या आई एम गोइंग टू गिव दिस अ 0.5 जो मैंने आज तक लाइफ में कभी किसी को नहीं दिया, बट दिस इज पथेटिक। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। अगला है 4700 BC के कॉर्न चिप्स इन सॉल्ट एंड ट्रफल फ्लेवर, एंड दिस पैकेट इज ₹50। कैन यू सी, 50 rupees में इतना बड़ा पैकेट दिया है इन्होंने। आई वॉन्टेड टू टेल यू क्योंकि मेरे को भी रिसेंटली ही पता चला है कि ये 4700 एक्चुअली ये PVR का ब्रांड है, एंड ये गुरमे स्नैक्स बनाते हैं। तो मैंने इनके रिसेंटली पॉपकॉर्न्स, ऐसे कैरमल पॉपकॉर्न्स और चॉकलेट पॉपकॉर्न्स वगैरह शिवम को और भैया को राखी पे दिए थे, एंड दे बोथ लव्ड इट, एंड ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट इतना अमेजिंग था इसीलिए मेरे को इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। सो दीज आर अपेरेंटली कॉर्न चिप्स, तो मेरे को लगता है ये नाचोज ही हैं, काइंड ऑफ ग्लूटन फ्री है, मेड विद होल ग्रेन एंड एवरीथिंग। सो लेट मी जस्ट सी कि ये कैसे हैं। ऑल्दो सिर्फ सॉल्ट एंड ट्रफल है तो मेरे को नहीं लगता ज़्यादा कोई फ्लेवर वाइज अच्छे होंगे या जो भी है, बट आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई दम बिकॉज सॉल्ट एंड ट्रफल मैंने इससे पहले कभी भी ट्राई नहीं किया है। सिर्फ बड़ी ही अमेजिंग प्रीमियम पैकेजिंग, लव्ड। ओ वाओ, दिस स्मेल लाइक चीज। सी एग्जैक्टली वैसे ही राइस क्रिस्पीज की तरह जैसे बाहर बने हुए हैं वैसे ही हैं। दिस आर सो, ये बहुत ज़्यादा चीज एंड बटर की तरह टेस्ट कर रहे हैं, बट ये ग्रीसी नहीं है एंड ये काफी हेल्दी फील कर रहे हैं आपको खाने में। आई लव द फ्लेवर। अगेन ये थोड़े से ड्राई जरूर है क्योंकि ये कॉर्न क्रिस्पीज हैं, जैसे राइस क्रिस्पीज होते हैं बिल्कुल सेम है ये। अगर आप इनके टेक्सचर की बात करोगे तो, अगर आप ये किसी डिप के साथ या घर की बनाई हुई सालसा के साथ पेयर अप करोगे या कोई चीज डिप के साथ पेयर करोगे, यू विल लव दिस। दिस इज गोइंग टू बी योर फेवरेट। मतलब आप लिटरली अगर नॉर्मल नाचोस नहीं खाना चाहते हो या कुछ फ्राइड चिप्स नहीं खाना चाहते हो, दिस इज एन अमेजिंग ऑल्टरनेटिव। बहुत अच्छा है, एंड ट्रस्ट मी आफ्टर दैट शिटी पिज्जा दिस एक्चुअली हैज सेव्ड मी राइट नाउ। एंड भाई 50 rupees में अच्छी क्वांटिटी है, ऐसी बात नहीं है। गुरमे बोल के यू नो बहुत सारे ब्रांड्स बहुत महंगी महंगी चीजें बेचते हैं, सो दैट वेज आई रियली लाइक दीज वंस। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई दीज अगेन, एंड आप भी जरूर ट्राई करना। मैं इसको देना चाहूंगी 4.5/5। आज का हमारा लास्ट स्नैक है बैस्किन रॉबिन्स का कूल केक सिंगल्स इन रेड वेलवेट फ्लेवर, एंड दिस इज ₹4.95। सो हम वीडियो को एंड करने वाले हैं विद अ डिजर्ट, एंड वॉट कैन बी बेटर देन अ रेड वेलवेट केक स्लाइस, दैट टू फ्रॉम बैस्किन रॉबिन्स, जो मैंने आज से पहले नहीं ट्राई किया है, एंड आई एम वेरी मच इंट्रीग्ड। सो लेट्स जस्ट ट्राई दीज। इट्स एन अच्छी पैकेजिंग है यार, ऑल्दो आई एम जस्ट होपिंग कि इसके अंदर, मतलब ऐसे जब मैं ऑर्डर कर रही थी इसको तो उसमें 2 केक स्लाइसेस बने हुए थे बट इसमें एक ही लिखा हुआ है, सो आई डोंट नो कितना होने वाला है, बट लेट्स जस्ट सी। नाइस पैकेजिंग। सो दिस इज हाउ इट कम्स। मेरे को बड़ा अच्छा सा लग रहा है यार ये देख के। वाओ, सी साथ में देखते हैं। टन एन टन एन टन, ओह माय गॉड दिस लुक्स सो गुड। एनी विच वेज आपको पता है मेरे को शिवम को रेड वेलवेट कितना ज़्यादा पसंद है। ऑल्दो मैं ले आती फोक या स्पून, लेकिन मैं बहुत आलसी हो रही हूँ इस वक्त तो मैं बिल्कुल भी नहीं लाने वाली। बट ऑल्सो मेरे को आपको एक चीज़ भी दिखानी है, सी तो ये मैं स्पून से नहीं दिखा पाऊंगी आपको, बट वाओ दिस इज जस्ट सो गुड। बहुत ही पतला सा केक स्लाइस है बट लेकिन साइज वाइज ठीक है तो चलेगा मेरे को। और इसमें बीच में लेकिन मेरे को ऐसे स्ट्रॉबेरी सिरप दिखाई दे रहा है, बट एनी वे लेट मी जस्ट ट्राई इट। दिस इज सो गुड। एक चीज में डेफिनेटली होंगी, जैसा आपको फ्रेश रेड वेलवेट केक में क्रीम चीज टेस्ट आता है वो बहुत कम है,
और वो सिर्फ यहाँ ये बाहर वाली जो लेयर है वो है, अंदर ऑब्वियसली इट इज ओनली आइसक्रीम एंड बीच बीच में अगेन स्ट्रॉबेरी सिर्फ एज आई मेंशन। ऐसा मतलब प्रॉपर ऑथेंटिक वाला रेड वेलवेट वाला टेस्ट नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है, जो भी है बहुत अच्छा है। I am definitely going to have this again. I couldn't have ended this video on a better note. So I am going to give this a solid 5/5. अगर आपने ये खाया है प्लीज मुझे कॉमेंट्स में बताना, नहीं खाया है तो प्लीज ट्राई कर लो और फिर बताना। एंड दिस वॉज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। मेरे को तो बड़ा मजा आया आज वाला वीडियो बनाने में। ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ इन पर्टिकुलर बनाऊँ जो आप देखना चाहते हो तो प्लीज मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। जल्दी से मुझे मिलो अगले वीडियो में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।